ये जो आंदोलन छेड़ा गया है ये महंगाई मुक्त भारत के लिए है, क्योंकि आपने जैसे कि देखा है पिछले 12 दिन में कम से कम 7 रुपये 20 पैसे सिर्फ पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। चाहे वो पैरासीटामोल का दाम बढ़ा हो, दवाई दारू का दाम बढ़ा हो, 11% बढ़ा है। आप चाहे गैस का दाम देखिए, कांग्रेस के टाइम में गैस का दाम सिर्फ 400 रुपये था, आज 1000 पार है। तो किस तरीके से इस देश की जनता को आप बताइए इस महंगाई से लड़ पाएगी? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस ये मुहिम लिया है कि हम लोग किस तरीके से महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे और एक महंगाई मुक्त भारत लाएंगे। देखते जाओ 2018 के बिगिनिंग में पेट्रोल का दाम कुछ था, 2018 के अंत तक पेट्रोल का दाम फिर बढ़ गया, 2019 में पेट्रोल का दाम कमाया गया, फिर उसके बाद में जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, आप अभी देखिए 5 राज्यों का इलेक्शन खत्म हो गया फिर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। और ये तो ये बात हुई ना कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, कि हर एक चीज़ के लिए आपको एक बहाना चाहिए, कि कभी आप ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हो, कभी आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हो, हमेशा कुछ ना कुछ बहाना तो आप देते रहते हो। अभी कुछ दिन बाद आप बोलोगे यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसके वजह से है। तो मोदी सरकार जो है एक जुमलेबाज सरकार है और उनकी आदत है कि बहाना बना के किस तरीके से इस पूरे देश के जनता को धोखाधड़ी से लूटा जाए।